Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome for the press conference. आप सबको जी टी वी की ओर से नए साल की शुभकामनाएं. Wish you all a happy, healthy, wealthy, prosperous, successful, peaceful new year. आज जी टी वी पेश कर रहा है नए साल की नई कहानी आपके आ जाने से. पिछले 25 सालों में जी टी वी ने ऐसी कई कहानियां दर्शकों के सामने पेश की है जिन्होंने सिस्टम, सोसाइटी, मैन वुमन रिलेशनशिप जैसे कई चीज़ों पे सही सवाल पूछे हैं और हमें सोचने पर मजबूर किया है. हमारी रोज़मर्रा की जीने में ऐसे कई पल आते हैं जब हमें डिसीजन तो लेना ही ज़रूरी होता है, लेकिन समाज के भय से या लोग क्या कहेंगे इस डर से हम में से बहुत सारे राइट डिसीजन लेने से हिचकिचाते हैं. लाइफ इज़ बियॉन्ड लॉजिक. हम अपने जीवन के बारे में सोचते कुछ हो रहा है और असल में होता कुछ और है. लाइफ सरप्राइजेस. आपके आ जाने से ये एक ऐसी कहानी है, ऐसी लव स्टोरी है जो ऐसा ही एक बड़ा सरप्राइज लेके आपके सामने आ रहा है. वेदिका और साहिल की ये प्रेम कहानी एक अनकन्वेंशनल लव स्टोरी है जिसमें वेदिका 42 साल की है जिसे 15 साल की बेटी है और साहिल 24 साल का एक नौजवान है. पत्नी पति से 18 साल बड़ी है, यह कैसी शादी? हमारे पूर्वजों ने शादी के नियम किए हैं, लिख रखे हैं, उनको यह एक चुनौती है. इन दोनों का एक दूसरे के साथ तालमेल हो ही नहीं सकता, यह शादी कामयाब हो ही नहीं सकती. ऐसे और भी नतीजों पर लोग जल्द ही पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये शादी होकर रहेगी और वेदिका साहिल दोनों एक साथ आकर ये शादी कैसे निभाएंगे. देर विल बी लॉट मेनी डिफिकल्टीज बट हाउ टुगेदर बोथ ऑफ देम कोप अप विद देम. समाज और लोगों के लाइसेंस के बगैर एक कपल अपना पर्सनल लाइफ जीना चाहता है, आने वाली हर मुश्किल का सामना करना चाहता है, आने वाली डिफिकल्टीज पर राइट क्वेश्चन करना चाहता है और उनके जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है. आपके आ जाने से ये कहानी है जो कहती है देयर नीड्स टू बी नो लाइसेंस टू लव. बेहिसाब मोहब्बत क्या समझेगी उम्र का हिसाब? एवी प्लीज. सिर्फ ये चीज कि एज गैप के अलावा जैसे अभी आपने वॉइस ओवर में सुना कि एक आदमी को इतना इजी होता है कई बार अपने से छोटी लड़की से शादी करना, लेकिन एक औरत को अगर 40 के बाद प्यार हो जाए और अगर उसको शादी करनी है या अगर उस प्यार को निभाना भी है किसी भी प्रकार से, किसी भी मतलब उस रिश्ते में अगर वो कंपेनियनशिप ढूंढती हैं, उस रिश्ते में जो भी फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, रोमांटिक एस्पेक्ट्स हैं, क्या एक महिला को आफ्टर 40 अगर वो सिंगल मदर हैं, अगर वो विडो हैं, अगर वो डिवोर्सी हैं, तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि नहीं हमारे आज के समाज में? वो एक बहुत बड़ा सवाल था जो मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया उस सवाल ने. और इसीलिए जब हमें जी ने ये, मैं बहुत ही आभारी हूँ जी का, क्योंकि जी ने ये लाइन हमको दी और जी ने ये कहानी डेवलप करी और अलॉन्ग विद द राइटर. सो एंड देन वी वर सडनली ब्रॉट इन टू प्रोड्यूस दिस शो. तो ये चीज़ जो है मेरे लिए इतनी बड़ी भावुक मतलब मुझे कर दिया इस चीज़ ने कि अरे यार, अगर ऐसे हम दिखा सकते हैं एक लड़की को, एक औरत को जो अपनी जिंदगी में अपने अनुसार चल सके और अपना प्यार की चॉइसेस कर सके अपने, तो वो एक सबसे बड़ा पहलू है जो. और दूसरी चीज़ जो सबसे प्यारी है इस चीज़ की कि भाई अगर दो ऐसे लोगों के बीच में जितना बड़ा एज गैप है और स्पेशली अगर औरत बड़ी हैं और 18 साल बड़ी हैं, 17 साल बड़ी हैं एक आदमी से, तो क्या ऐसी शादी को निभाना ईजी है क्या? तो उसमें ऑफकोर्स दोनों चीज़ें आती हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इस मैरिज को लेकर इस मैरिज के अंदर और ऑब्वियसली एक्सटर्नल सोसाइटी क्या कहेगी वो. तो ये दोनों सवालों को लेकर आई थिंक हम बहुत इंस्पायर्ड हैं और बहुत ग्रेटफुल हैं जी की टीम का, दीपक जी, चारू जी, अमित, अन्वेषा, ये सारी टीम ने मिलकर हम लोगों के साथ. मेरे भी तरफ से काफ़ी लोग हमारी टीम, मेरे बिजनेस पार्टनर मौतिक तोलिया, मेरे डायरेक्टर शशांक भरद्वाज, कैमरामैन डीओपी निशांक,
ये सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, तो इन लोगों की वजह से ये शो बना है और उनके प्रति भी मैं ग्रैटिट्यूड व्यक्त करता हूँ. एक अनुज, कैन यू पास इट टू प्रीति? द शो प्रीति, कैन यू जस्ट ये शो लिखा गया है. एक जो मेन राइटर हैं जिन्होंने इस शो को क्रिएट किया, उनका नाम है प्रीति ममगेन. उनको मैं बहुत सराहता हूँ क्योंकि उनकी वजह से हम इंस्पायर हुए, क्योंकि उनकी लाइफ से कुछ चीज़ें निकली, उनकी ज़िंदगी से उनके उन्होंने ये क्रिएट किए कैरेक्टर्स. तो उनसे मैं एक मिनट के लिए सिर्फ, कैन यू कम हियर प्रीति? या सो प्रीति, जस्ट वॉन्टेड वन क्वेश्चन बिकॉज यू created the show and we are lucky today to input on it and create work with you on it. To aapka kya inspiration tha, matlab what was the reason that that you ended up? So okay, so can everyone see now? So I was just given this one line, older woman, younger man, और मुझे immediate connect इस एक line से महसूस हुआ, क्योंकि मैं खुद एक single mother हूँ. मेरा बेटा 12 साल का था जब मेरा divorce हुआ था, and ये पूरी journey एक तरह से मैंने देखी है. एक single mother का फिर से settle होना, सोसाइटी के लिए एक्सेप्ट करना जितना मुश्किल है, उतना ही वुमेन के लिए खुद भी उतना ही मुश्किल होता है. बिकॉज देर सो मेनी कंसिडरेशंस दैट यू थिंक अबाउट. बच्चा एडजस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फैमिली एडजस्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी. लड़के के लिए शायद, जो यंगर होता है उसके लिए शायद फिर भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि एट दैट एज लड़के उतना ज़्यादा लॉजिकली शायद सोच नहीं रहे होते, एंड दे स्टिल थिंक दे मोर बोल्ड, दे थिंक दे कैन मेक इट हैपन. पर एक औरत के लिए जो एक सर्टेन एज से आगे जा चुकी होती है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है. नॉट जस्ट फॉर इमोशनल रीजंस बट आल्सो फिजिकल रीजंस, बिकॉज हम सभी जानते हैं क्यों हमारे सोसाइटी में हमेशा आदमी ओल्डर होता है और औरत यंगर होती है. बिकॉज देर आर फिजिकल, सेक्शुअल, ऑल काइंड्स ऑफ रीजंस दैट मेक एन ओल्डर मैन एंड अ यंगर वुमन मोर कंपैटिबल. और जैसे ही वुमन ओल्डर होती है, सारे सवाल आ जाते हैं कि क्या वो वुमन फिजिकली भी आदमी को सेटिस्फाई कर पाएगी कि नहीं, एंड ऑफकोर्स इमोशनल एडजस्टमेंट हो पाएगा कि नहीं, फैमिली का एडजस्टमेंट हो पाएगा कि नहीं. तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज किसी ना किसी टाइम आप ये सारे सवाल खुद से भी पूछते हो, स्पेशली आफ्टर यू नो यू बिकम अ सिंगल मदर. यू डू थिंक एट टाइम्स ऑफ सेटलिंग अगेन, बट देन देर सो मेनी क्वेश्चन दैट you know, some people are fortunate if they do find a partner who they can adjust with. Others probably try and they don't, or they make a choice to not. But it's not an easy thing, and that is what for me was the most, inspiring is probably not the correct word, but something that I connected with most. You know, I emotionally, immediately connected with it. So, of course, kyunki ye television show hai, so we have to tell the story slightly in a more larger than life manner, but we are not letting go of the nuances that the journey that these two people will go through, because we feel that jo jis sensitivity se is subject ko develop kiya gaya tha, usi sensitivity se everyone is trying to handle it. We have great support from the channel team, Charu, Amit, and Vesha, all of you, thank you so much. And we are really trying to look at each and every nuance, each and every aspect of such a relationship. We don't just want to tell, a dramatic plot-driven story. We want to tell a story which really talks about two real people jo real issues se deal karte hain, kyunki ye unki reality hai, ki unke beech mein 20 saal ka gap hai. Thank you, Preeti. Thank you so much. So I'll also call upon three, Karan, Suhasi, please come in. Suhasi Dhami is playing the main lead, and इनसे जी का connection बहुत पुराना है. ये दो बहुत बड़े shows जी के लिए पहले भी कर चुकी हैं. मैं भी lucky हूँ इनके साथ associated रह चुका हूँ. यहाँ मैं घर घर खेली कर चुकी हैं, इससे पहले housewife कर चुकी हैं, and so it was very easy for us to, जी and us to decide कि हम Suhasi को इस वेदिका माथुर की role के लिए cast करें. और what, like when the show was narrated to you, when the idea was narrated to you, what is it about Vedika's character
that you feel most attracted about? As जैसा आपने कहा कि जो story है वो बहुत normal story नहीं है, ये day to day life की story नहीं है, next door neighbor की story नहीं है. ये बहुत कम बार ऐसा होता है कि elderly women falls in love with a younger man और फिर हम उस प्यार को आगे भी ले जाते हैं. कई बार वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है. बहुत कम बार हम आगे ले जाते हैं और ऐसा कैरेक्टर प्ले करना मेरे लिए आई फील आई एम वेरी लकी, क्योंकि इतने सारे टीवी शोज़ में चार गिन के ऐसे शोज़ आते हैं जहाँ पे थोड़ी सी अलग स्टोरी बनती है, तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था. प्लस शादी के बाद एक अलग जर्नी शुरू होगी, वो सास बहू वाला शायद कम होगा, बट कॉम्प्लिकेशंस दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच इतनी होगी क्योंकि एवरी नाउ एंड देन एज विल बी अ मेजर फैक्टर. तो एवरी नाउ एंड देन यू डील विथ इट, वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा. थैंक यू. करण इज हैज बीन देयर ऑन वेरियस शोज, MTV वगैरह के, मतलब इन्होंने और यूथ चैनल्स पे काम किया है, एक स्टार का भी शो किया है. तो फाइनली वी चोज हिम प्योरली बिकॉज इस कम उम्र में एक सर्टन किस्म की अनइनहिबिटेड क्वालिटी होना, एक स्पॉन्टेनियस एक्टर जो बेबाक तरीके से अपने इमोशंस को अपने चार्म से, अपने विट से, अपनी हाजिर जवाबी से एक कैरेक्टर को बना सके, तो इस एक्टर में हमको वो सारी खूबियाँ लगी के हैं, तो इसीलिए इनको हम, मतलब वी आर लकी टू हैव हिम ऑन बोर्ड. सो करण, वुड यू वांट टू जस्ट टेल अस, इज देयर एनीथिंग दैट यू फील होपफुली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स हैव सेड, इज समथिंग दैट इंस्पायर्ड यू अबाउट दिस पार्ट? तो बेसिकली काफी एक अलग ही तरीके से पूरा जर्नी चालू हुआ. तो मैंने बेसिकली जो शो की क्रिएटिव डायरेक्टर है पर्सिस मैम, उनको ऐसी मैसेज किया था अबाउट अनदर सीरीज हैपनिंग एंड शी इज आस्क मी वेदर आई वांट ऑडिशन फॉर अ न्यू शो. सो एंड आई आस्क्ड व्हाट इज़ द प्लॉट, कि क्या है किरदार, क्या है, क्या स्टोरी है. एंड शी सेड, यू नो, यंगर मैन, यंगर बॉय, ओल्डर वुमन. लाइक सुवासी जी सेड सम टाइम बैक के ऐसी कहानियाँ बार बार नहीं बनती, ऐसे ट्विस्ट बार बार नहीं आते लाइफ में. मे बी आते होंगे रियल लाइफ में, लेकिन ऐसी कहानियाँ बाहर नहीं निकलती. तो ये एक ऐसी कहानी है जो बाहर हम निकालना चाहते हैं, सोसाइटी को बताना चाहते हैं कि लिसन, वी नीड टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स. इफ इट्स ओके फॉर अ मैन टू बी विद अ यंगर वुमन, वाई इज इट नॉट ओके फॉर अ वुमन टू बी विद अ यंगर मैन? द आइडिया इज टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम बिटवीन द एंटायर जर्नी ऑफ अ मैन एंड अ वुमन. तो ये चीज़ मुझे, आई मीन, इट अट्रैक्टेड मी अ लॉट. उसके अलावा साहिल एक तरफ से मैं ही हूँ. मुझे लगता है कि आई एज अ परफॉर्मर, आई थिंक आप जितना नज़दीक अपने किरदार की तरफ जा सकते हैं, जितना एज फार एज यू कैन बी हिम इन रियल लाइफ ऑल्सो, यू वन हाफ ऑफ द प्लॉट ओवर देयर. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तरफ से साहिल ही हूँ, घूमते रहता हूँ यहाँ वहाँ, फेयरवेलिस लाइफ में, इनकॉरिजिबल. सुधरना है मुझे कभी ना कभी लाइफ में, लेकिन फिलहाल ज़िंदगी चल रही है, तो व्हाई नॉट, लेट्स गो विद द फ्लो. तो एक अलग ही नज़रिए से देख रहा हूँ मैं ये शो को, विच इज़ वेरी फ्रेश. लाइक शी सेड, इट डजंट हैपन अगेन एंड अगेन. ऐसे शोज़ बार बार नहीं बनते. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, एंड आई रियली थैंक जी, आई रियली थैंक सुकेश जी, मौतिक जी ओवर देयर, माई टीम, शशांक सर, पर्सिस मैन, एवरी वन हु इज़ एसोसिएटेड विद द टीम ओवर हियर, एंड एवरी वन हु इज़ हियर. लेट्स होप यू गिव अस सम लव and more gratitude, and yeah, we hope we can entertain you guys. Thank you. Thank you, Karan. Thank you. Geeta ji, ek bahut bahut veteran actress hain, meri favorite actress reh chuki hain. Bahut acche shows inhone hamare sath zee ke sath bhi kiye hain, aur to ye ek tarah se samaj ko represent karti hain is show mein, jo samaj aaj bhi in rishton ko accept nahi karta, और जो समाज आज भी सवाल उठाता है कि भाई ऐसे इतनी एज गैप के साथ कैसे होगी शादी, और वो भी एक औरत जो विडो है, जो सिंगल मदर है. क्योंकि एक चीज़ जो हमारे शो में अलग है वो ये भी है कि 15 साल की बच्ची है इसकी, तो वो एक और एक बहुत पहलू है जो इस शो को.
तो मैं गीता जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बताएं कि आपको क्या लगा इस शो को. आप बड़ी अम्मा का रोल कर रही हैं, ये हीरो के ताई जी का रोल कर रही हैं जो घर को चलाती हैं एक तरह से. तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस घर में भी एक औरत है जो घर को चला रही है, बट वही औरत जब एक दूसरी औरत को देखती है तो वो क्या नज़रिया होता है पेट्रियार्कल सिस्टम के, ये इस पहलू को भी देखना. जी हाँ, एक तो मैं जी के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे शोज़ मुझे दिए, मौका मिला अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करने का. और ये जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रही हूँ, बड़ी कंजर्वेटिव है, अथॉरिटेटिव है. अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ देखा है, इसलिए वो अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती है जो गलत हो, और उसी के अगेंस्ट ये लड़ाई भी करेगी. बस मैं एक लाइन अपनी तरफ से पर्सनल लेवल पे बोलना चाहती हूँ कि हमेशा सवाल औरत पे उठाया जाता है, नहीं ये बड़ी है, इसका ये प्रॉब्लम. अलग अलग सवाल होते हैं, पुनर्विवाह जैसे हमने किया था एक शो उसमें कि दूसरी शादी नहीं हो सकती है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि उम्र दराज औरत है और उसकी उसको दूसरी लाइफ जीने का मौका नहीं मिलना चाहिए. मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, मैंने खुद ने 45 साल की उम्र में शादी की है और मेरे दो प्यारे प्यारे भी 9 महीने के बच्चे हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको है ना. और उसमें मेरी सास बहुत सपोर्टिव रही है. तो नज़रिया अब धीरे धीरे बदल रहा है, तभी बदलेगा जब ऐसी चीज़ें हम लोग प्रेजेंट करेंगे. तो मैं लकी हूँ इस शो के साथ जुड़ने के लिए. आप लोगों का प्यार भी चाहिए. थैंक यू. विद दैट आई रिक्वेस्ट बोथ सुकेश सर एंड दीपक सर टू प्लीज सिट ऑन द स्टेज. Take your seats. Dosto, now's the time for Q&As. We'll pass you the mics. Please raise your hands so that we can get the mics to you. Yeah. There. Questions? Nobody has any questions. Yeah. Yeah. No, you need to just give us. समझ में. सर जो चार्ल्स है, जो खान से, वो हाफ द गर्ल के साथ रोमांस करते हैं. सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ. सर जो खान से, बॉलीवुड के खान से और अक्षय कुमार है, वो हाफ द गर्ल के साथ रोमांस करते हैं. और आपने कभी ये सोचा कि ये इस तरह की भी कहानी हो सकती है, लव रोमांस हाफ एज के? आपको कब लगा कि आप क्या आपको लगा कि ये चल पाएगा एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी? देखिए खान्स के बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा. दे आर खान्स, दे आर सुपर स्टार्स, ऑल खान्स फॉर दैट मैटर. एनी सुपर स्टार इज अ सुपर स्टार. एक्सेप्ट करने की बात होती है, उनको हमने सब ने एक्सेप्ट किया है, तभी तो इतनी जोर शोर से फिल्में चलती हैं. इट्स अ मेक बिलीव एंड ऑफ द डे. अब रहा सवाल क्या ये कहानी चलेगी, तो मुझे तो मैं अभी कम से कम पिछले 18-20 साल से टेलीविज़न में काम कर रहा हूँ इन एनी कैपेसिटी. एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से मैंने काम शुरू किया है और अभी मैं जी टी वी में काम कर रहा हूँ. आज तक एक भी प्रोजेक्ट के बारे में मैं ये कह नहीं पाया और कह नहीं पाऊँगा कि ये शो ज़रूर चलेगा या नहीं चलेगा. एक कह सकता हूँ, शो अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मैं कह सकूँगा. ये शो अच्छा बना है, ये कहानी बहुत अच्छी बनी है, इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से उभर के आए हैं. वो कोई, जैसे हमारे राइटर ने कहा कि ये कोई प्लॉटलेड कहानी नहीं है, इसमें कोई एक ड्रामा बाहर से एक तड़का मारो ऐसी ये कहानी है नहीं. ये कहानी बहुत ऑर्गेनिक तरीके से प्रोग्रेस होने वाली कहानी है. उसमें एक ठहराव है, उसमें इनहेरेंट एक ड्रामा है ही, क्योंकि उन दोनों के एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है और उसमें भी पत्नी का वय पति के वय से बहुत ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है पत्नी की उम्र. तो एक इनहेरेंट एक ड्रामा है ही उसमें. उसमें और कुछ अलग से ड्रामा डालने की ज़रूरत नहीं है. वो एक सिंगल पेरेंट है, उसकी 15 साल की बेटी है और 24 साल के उम्र के एक नौजवान से उनकी शादी हो रही है. दिस इज़ गुड इनफ ड्रामा.
अब ये सवाल आता है कि इस कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में किस तरीके से इन दोनों की जर्नी होगी, एंड दैट इज वेरी मच एक्साइटिंग. शो बन कैसा रहा है, कहानी बन कैसी रही है? बहुत क्वालिटेटिवली बहुत अच्छी बन रही है. अब उसका सक्सेसफुल होना ना होना आप पे और दर्शकों पे निर्भर होता है. हेलो, या माय क्वेश्चन टू सुहासी. ओ या सुहासी, सिंस यू एक्ट, या यू आर डूइंग दिस रोल, हाउ चैलेंजिंग वाज दिस रोल फॉर यू? Because of the this written by Miss Mamta, who is a single mother, but you're not. So how challenging was the role for you to do this? सबसे बढ़िया पार्ट यही हो गया है कि I have become a mother, क्योंकि जी का जो शो था यहाँ मैं घर घर खेली, उसमें मैं माँ बनी थी. लेकिन माँ बनने के रियल लाइफ में माँ बनने के बाद जो आप पोर्ट्रे कर सकते हो वो बहुत बहुत डिफरेंट है जो आप बिना माँ बने पोर्ट्रे करें. और वो जो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो एक माँ और बेटी के बीच में जो समाज, व्हेन यू बिकम अ मदर हाउ एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग एट यू, वो सारी चीज़ें मैं अभी फील कर सकती हूँ. तो सिंगल मदर तो मतलब वो उस एस्पेक्ट पे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन एज अ मदर एंड अ डॉटर हाँ, हाउ आई कैन रिलेट इज इट्स ब्यूटिफुल. आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव बिकम अ मदर एंड एट द सेम टाइम दे हैव ऑफर्ड मी दिस रोल. थैंक यू. सुकेश जी, यहाँ पर, यू कैन सी मी, हाँ. यू हैव हाईलाइटेड द थीम इन दिस, नो लाइसेंस टू लव. Legally speaking, there is no problem once the boy and girl are above 18 years. तो इसमें आपने क्या ऐसे treatment किया है where you are highlighting the theme as no license to love? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम कानपुर में, मतलब हमने नॉर्थ के एक शहर में ये शो सेट किया है. अब नॉर्थ या वेस्ट या साउथ ईस्ट जो भी है, हमारे देश में कोई परसेंटेज तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग पर्टिकुलर तरीके से चलते हैं, हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं. अब उन्हीं वैल्यूज़ में कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं और कुछ चीज़ें बहुत रूढ़ीवादी हैं, बहुत नैरो हैं, बहुत कंजर्वेटिव हैं. तो वो जो आप एक तरह से, जब जी का ये लाइन ही है आज लिखेंगे कल, दिस ब्रांड इट्सेल्फ, जो ब्रांड फिलोसफी है जी की, वो यही कह रही है कि आप उन चीज़ों को दर्शाओ जो सोसाइटी में नए ट्रेंड्स, जो सोसाइटी में अच्छी चीज़ें जेंडर इक्वालिटी को लेकर या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें दोनों जेंडर्स के बीच में जस्टिस भी रहे, इक्वालिटी भी रहे. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये नो ये जो लाइसेंस टू लव वाली बात है, ये बिल्कुल करेक्ट फिट बैठती है. क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे शोज़ देखे हैं जहाँ पे आदमी भी बड़ा है, और ऐसी शादियाँ बहुत समाज में देखी हैं. लेकिन इस क्योंकि इस शो में ये वाली एंगल है कि भाई एक सिंगल मदर 42 इयर्स, 15 साल का बच्चा, विडो हैं, अब उनको और एक यंग लड़के को अगर प्यार हो जाए तो क्या क्या सवाल समाज करेगा, वो आई थिंक दैट इज़ वेयर. क्या लाइसेंस जो है वो कभी भी लीगल नहीं होता. लाइसेंस वो होता है जो आप अपने दिमाग के अंदर भी झांक के पूछ सको कि क्या मेरे में इतनी करेज है कि मैं इतने सारे सामाजिक क्वेश्चंस, क्या मेरे में इतनी करेज है कि मैं अपनी सास को नज़र मिला के बात कर सकूंगी, मेरी सास तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. मतलब आज तो ऐसी चीज़ों पे तो ऑनर किलिंग हो जाती है, मतलब कुछ समाज के कुछ सेक्शंस में. तो वो एक सारी चीज़ें आई थिंक हमारे लिए ये लाइसेंस वर्ड उसी कॉन्टेक्स्ट में आया कि क्या इन बेचारों को लाइसेंस मिलेगा. हेलो, मेरा सवाल सुहासी से था. सुहासी, एक एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये होता है वो अपनी एज को ज़्यादा बताए, क्योंकि उसके बाद उसको फिर कम उम्र के रोल मिलने थोड़े उसकी संभावना कम होती है. आपको कितना रिस्क लगता है, क्योंकि आप 42 साल वाली महिला का रोल कर रही हैं, और इसके बाद और ये जैसे सीरियल आगे बढ़ेगा आपकी उम्र और बढ़ेगी, तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी आपके पास चांसेस कितने होंगे? जब मैं पहले आई थी टीवी में, तब ये मेरे लिए सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता था कि अब मैं अगर माँ बन गई तो फिर मुझे माँ के ही रोल्स मिलेंगे. लेकिन मैं माँ बन चुकी,
यहाँ मैं घर घर खेली में, उसके बाद मैंने और दो शोज़ किए, उसके बाद अभी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर लिए. ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि यू प्ले अ रोल ओल्डर देन व्हाट यू आर. हम हमेशा ही अगर सेम एज या सेम चीज़ से रिलेट करते रहे तो हमारे लिए कोई चैलेंज ही नहीं बचता है. सो दिस इज़ आई वुड टेक अ चांस, आई वुड डेफिनेटली टेक अ चांस टू प्ले एन ओल्डरली रोल, नॉट थिंकिंग अबाउट कि अगर इसके बाद मुझे ग्रैंड मा बना दें तो. आई वुड रियली नॉट, दिस इज़ अ बेटर चैलेंज फॉर मी. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एक दूसरा सवाल और आपसे ही था. आप लगभग 13 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, आपने साउथ की दो फिल्में भी की हैं, हालांकि वो रिलीज नहीं हो पाई. कुछ एक्टर्स जो हैं, तो हुई थी, आपने शायद देखी नहीं. मैंने, मेरी जानकारी जो थी वो रिलीज नहीं हो पाई थी ऐसा है. तो कई एक्टर्स ऐसे हैं जो टीवी से फिल्मों की तरफ जा रहे हैं, क्या आप फिर से आपका रुझान उसकी फिल्मों की तरफ रहेगा? टीवी मुझे बहुत सेटिस्फाई करता है, मैं बहुत खुश हूँ टीवी से. मुझे ऐसा लगता है कि टीवी से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं क्योंकि हम रोज़ उनके घर पे जाते हैं. और जितना मुझे टीवी से मिला है, घर घर खेली से मिला है या मैंने जो भी शोज़ किए, वो जितना मुझे रिस्पांस मिला है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड. ऑफकोर्स कुछ आएगा तो ना, ऑफकोर्स मैं ये तो नहीं बोलने वाली कि मैं टीवी में खुश हूँ, मुझे फिल्म नहीं करनी, बट आई एम वेरी हैप्पी हियर. तो आगे तो देखते हैं जो होता है. थैंक यू. करण, माय क्वेश्चंस टू यू. Yeah, Karan over here. Yeah, I can't see you. Yeah. Oh, yeah. Hi. Just want to know that how was your romance when you're romancing with a matured female? How is your romance in the serial when you're doing this serial with her, with a double of your age or whatever, 15 years more than your age? It's amazing. Yeah, like when you're in love, I don't think you think about how old someone is or what their body is like, whether they have wrinkles or nothing of that sort. I think you're just blindfolded and that's never a question. I think there's never been a problem, but since I'm acting it out, it's real, and there's a real situation as well. But me as a person in general, as Karan, also will never ever have any qualms about falling in love with someone old, because I think that's just love. Pyar mein kya age, kya, I mean, for me, that's totally illogical. So in real life, you'll go and do the same thing? If it happens, why not? Why stop yourself? You should never stop yourself from feeling right. That's what I believe in. Karan, have you ever been in a May-December romance? No, I haven't. So basically, age is no bar for you if you fall in love. Yeah, absolutely. It's just about feeling right. I'm sure there's a reason why something within us tells us, listen, let's go for it. Because, you know, it just feels right. I don't know where you're sitting, but I hope you feel the same. Yeah. Sorry. Is this only for the serial you're talking about, to make this serial or that in real thing? No, this is who I am. You can ask whoever I know, whoever is close to me. This is who I am as a person. Main hoon aisa. Friends, do we have any further questions? If not, then we are going to go ahead with the photo op. I request the remaining entire cast to please join us. I'm going to take out, we already बोलना है कदानिश राइट में, बोलना दानिश राइट में, बोल सर, राइट में करण,
नहीं मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बॉस, मतलब मैं हूँ 26 साल का लेकिन मुझे खेलना है कोई 24 साल का किरदार, तो किसको मौका मिलता है, लाइक टू फॉल इन लव विद अ 42 ईयर ओल्ड एंड गेट मैरिड टू हर, तो बेसिकली थोड़ा अलग ही एटमोसफेयर है यहाँ पे, एक अलग ही कहानी है, तो बेसिकली इसी चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया इस कहानी की तरफ, एंड दिस फर्स्ट टाइम आई एम अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा पहला ऐसा अपॉर्चुनिटी है, सो आई एम रियली थैंकफुल टू हर फॉर बींग सच एन अमेजिंग एक्ट्रेस, फॉर बींग सच एन अमेजिंग को एक्ट्रेस एट वर्क ऑल्सो, तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शूट पे भी एक वातावरण अच्छा मेंटेन हो, तो हमारे साथ तो वैसे ही होता है, हम चिल हैं वैसे, तो इट्स नाइस। सो हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू बिकॉज़ हाफ द एज होने के बावजूद डबल द एज का रोल No, double age. Your age, na? On camera. No, I am definitely not in my 20s. Of course, you can see that. But it's not a very big difference. But the fact that I have a 15-year-old और मैं एक 24 साल के लड़के से प्यार में पड़ी, जो day to day life में नहीं होता. I am lucky कि off screen तो on screen मुझे करने का मौका मिल रहा है. चैलेंजिंग तो क्या, यू जस्ट हैव टू इमेजिन, मैं ऐसे थोड़े लोगों को जानती हूँ, आजकल तो बहुत सिंगल मदर्स हैं, बट वो शायद अपना प्यार ज़्यादा इजहार नहीं कर पाती, वो शायद अपने उम्र से बड़े हो या छोटे हो, रियली डजेंट मैटर, सिंगल मदर को दूसरी बार प्यार होना ही अब तक हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, प्लस उम्र से छोटा मतलब और एक स्टेप उसके आगे चलना, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर शो अगर बाय गॉड्स ग्रेस चल जाए तो एटलीस्ट सिंगल मदर्स अपनी एज के लड़कों से तो शायद इजहार कर सकेंगी, या सोसाइटी एटलीस्ट उतना तो एक्सेप्ट कर लेंगी कि चलो उतना नहीं तो चलो यही कर लें। यू नो आजकल बहुत ऐसा होता है कि हमारा जो ऑडियंस होता है वो काफ़ी बाइक हो जाता है, सुनने में पड़ेगा ना अपने टॉपिक को लेके काफ़ी बारीक हो जाते हैं, सो यू नो जब जब ऐसी कोई स्टोरी आती है, जैसे प्रीतिस ने भी काफ़ी एज वेरिएंट ऊपर एक स्टोरी आई थी डिफरेंट चैनल पे, तो लोगों ने नहीं सराहा था, तो उसके लिए आपका क्या रिएक्शन? मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी ये पिया पहरेदारी, जी हाँ, वो शो का उस शो के बारे में ज़्यादा कमेंट तो मैं करना नहीं चाहूँगी, बट इस शो में तो साहिल इज़ ऑल रेडी टू फॉल इन लव, ही इज़ नॉट एन एमेच्योर, वो 24 ईयर्स का है, जो आजकल नहीं लेकिन पहले तो 24 ईयर्स के सारी लड़कियाँ लड़के सब शादी करके बच्चे भी कर लेते थे, तो ऐसा नहीं है कि एमेच्योर है, हाँ डिफरेंसेस है, बट मुझे लगता है कि सोसाइटी ने ना ये पहले एक बार एक्सेप्ट किया है, एक दो बार हमारे शोज ऐसे आए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं, जो लेडी उम्र में बड़ी और फिर द मैन इज़ यंगर, मुझे लगता है सोसाइटी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दिस मच, क्योंकि हमें हमेशा बोला जाता है कुछ अलग दिखाओ, कुछ अलग इंटरेस्टिंग दिखाओ, तो हम मतलब जी ने ये हिम्मत की है कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने की, तो आई रियली होप दैट दिस इज सक्सेसफुल। अगर पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या स्टेप क्या होगा देखा जाए तो, क्योंकि एक सिमिलर चीज़ है एज गैप जो पी एफ एहरेदार में भी थी, इसमें भी एज गैप ही है मैम देखा जाए तो क्या अगला स्टेप क्या होगा? वो हमारे हाथ में तो नहीं है, हाथ में नहीं होगा, अगला स्टेप मत आने देना ना देख लेना शो। सो डू यू थिंक इन रियल लाइफ यू रियली नीड एन अप्रूवल टू फॉल इन लव विद ईच अदर? ओह नो, हूम आई यू आस्किंग? हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोग ऑलरेडी इतना सारा क्रॉस करके आए हैं, हमें आई डोंट थिंक, और आज की जनरेशन लाइक हिज जनरेशन आई डोंट थिंक जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, लाइसेंस के बिना घूमते रहते हैं, कार चलाते, तो ये लाइफ बिल्कुल भी नहीं। क्या इससे क्या लोगों की सोच बदलेगी? इंशाल्लाह होए, ऐसा ही हो कि लोगों की सोच बदले, एटलीस्ट एक औरत को देखने का नजरिया बदले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू।